मुझे तो समझ नहीं आ रहा आके ले चल क्या रहा है। तुम दोनों में से कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। पहले मेरी गर्लफ्रेंड को मानने की कोशिश गौरव और अब कोई तो है जो हमें टारगेट कर रहा है, पर कौन है ये पता। तुम लोग सबके सामने कम पे हो, एक काम बोला था तुम वो भी सही से नहीं कर पाए। लगता है इस काम को मुझे ही अंजाम देना होगा। एक मौका दे दीजिए बॉस, इस बार काम जरूर हो जाएगा, प्लीज एक मौका। चलो दिया मौका, इस बार कोई गलती हुई ना मचोगे नहीं तुम। चलो निकलो यहां से। नमस्ते राजू भाई। हाँ राजू बताओ कैसे आ जाओगे। राजू भाई मार्केट में एक नया माल आया, बहुत कड़क है। जो काम तुमको दिया वो तो तुमसे हो नहीं रहा, आ गए दूसरा काम लेके। लगता है वो सिप का काम बजाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरे हाथों में माल आएगा। होने वाला देखो जाके। आगे था कौन ये, पता करो इसका। देखो क्या हो तुझे, दो रो 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 मोबाइल निकाल दो। अब मुझे पता चला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ? वो हमारी जान के पीछे नहीं पड़े, दरअसल उन लोगों को कुछ और ही चाहिए, और जो उन लोगों को चाहिए वो मेरे पास है। मैं समझा नहीं, तुझे पता है हमारे पीछे कौन है? कौन? मूसा। क्या भाई? मूसा जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली और चोर है, और वो कई लोगों का मर्डर भी कर चुका है। वो हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर क्या है तुम्हारे पास? ऐसी चीज जो बहुत कीमती है और वो लोग उसको पाना चाहते हैं। तभी मैं सोचूं कि वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों को कैसे पता चला? अरे वो लोग तो चोर है यार, लोगों को कहीं ना कहीं से पता चली जाता है। पर ऐसा है क्या तुम्हारे पास? सोने की कलर,
मेरे पूर्वज मेरे दादाजी को दिया था और मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, संभाल कर रखे। और करो हम पुलिस की मदद ले। नहीं नहीं अभी रुक, अभी तू आराम कर, मैं हूं ना तेरे साथ, हम सुबह चलते हैं। तेरा दोस्त मरने वाला है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। तेरा दोस्त की जिंदगी चाहता है ना, तो कलश लेकर गंगा नदी के पास आ जा, बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो हेलो, तुम लोगों की वजह से बहुत परेशान हुआ हूं मैं। आज छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मुसा, आजा आजा शिवम, तेरा ही इंतजार था कब से मुझे, अब जाके मेरा इंतजार खत्म हुआ है। प्लीज मुसा, उसे जाने दे। मुसा तुझे क्या चाहिए? सोने का कलर चाहिए ना? ये देख मैं लेके आया हूँ तेरे लिए, प्लीज उसे जाने दे। जाने तो देंगे तुम्हें, उससे पहले जानने नहीं चाहोगे ये सोने के कलश के बारे में मुझे बताया किसने? किसने? तेरे दोस्त ने, मतलब मेरे बॉस ने। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस मंदिर चिड़क में क्या सोच रहा है? ये सब मैंने किया? सही सोच रहा है, ये सब मैंने ही किया है। बोल बे। ये लीजिए बॉस। जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, वो बाकी सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मूसा मार के फेंक देते। जी बॉस। चल मेरा तो आज गेम ही बजा देते हैं। एक दो साल की हो ना तो दोस्त भी कम पड़ जाती है शिवम, और रही बात भरोसे की तो वो तो पैसों से भी खरीदा जा सकता है। क्यों मूसा? जी वो सही बोला ना? बिल्कुल सही। अब मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं सोच रहा था वो सच निकला। सच करेक्ट। अब समझा तू असली गेम को? तेरे साथ जो भी हुआ है ना मैंने किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गौरव, छोड़ूंगा नहीं। जब अपना सिर शेर के जबड़े में हो ना, ज्यादा फड़फड़ाए नहीं करते, कभी भी दबोच लिए जाओगे। मूसा मार इसको। यस बॉस। तो आज जान से मार देंगे, क्या सोचा था तुमने? तेरे को तो आज छोड़ूंगा नहीं।
अलग तेरे वजह से बॉस के सामने मेरी पूरी इज्जत का किरकिरी हो गया। कहाँ गया ये? ढूंढो ढूंढो इसे। मुझे मार के क्या, सोने का कलश तो बोस ले गए। गौरव को तो मैं छोड़ूंगी। छोड़ो ही बात कलश की। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या वो कलश नकली था? हाँ वो कलश नकली था। मतलब हम नकली कलश के लिए इतना वक्त उठाए? What up?